सो हेलो, व्हाट इज़ अप गाइस। तो आज हम आपके लिए एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो फिर लेके आए हैं, और ये वीडियो है सैमसंग यूज़र्स के लिए। तो आपको पता होगा कि जो सैमसंग डिवाइसेस होते हैं जिनमें वन यू आई 1 पॉइंट से ऊपर अबव जो भी चल रहा है, या फिर जो फ्लैगशिप सैमसंग डिवाइसेस उनमें जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वो फीचर आपको मिलता है। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आप ज़्यादा कुछ कस्टमाइज़ नहीं कर सकते, बट मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपको बढ़िया, मतलब एवेंजर्स सुपर हीरोज़ के जो थीम हैं उनके जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वो अपने मोबाइल पे लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने प्ले स्टोर ओपन करना है। तो प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है कस्टम ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, कस्टम AOD। आप जैसे ये सर्च करेंगे तो पहला ही रिजल्ट आएगा कस्टम AOD। ये ऐप आपको डाउनलोड कर लेनी है। ये थर्ड पार्टी ऐप है, बट ये बिल्कुल सैमसंग डिवाइस के लिए ही बनी है, और ये बिल्कुल ईजिली रन करेगी, आपको कोई भी बग वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। तो डाउनलोड करने के बाद, मैंने डाउनलोड कर रखी है तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करते ही सबसे पहले आपको इसमें एक परमिशन देना पड़ेगा, जैसे आपको दिखा रखा है कि ये सेलेक्टेड फ़ोन्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे गैलेक्सी S7, S7 एज, ये वाली यूज़ कर सकते हैं ए सीरीज़ एम सीरीज़ के लिए। तो आपको सबसे पहले इनको असेसिबिलिटी में जाने के बाद जो इंस्टॉल्ड सर्विसेज है उसमें जाना है, और आपको इसकी परमिशन देनी है, एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की एक परमिशन देनी है। मैं एक बार नेट बंद कर देता हूँ, आपको ओके करना है। जैसे आप ये परमिशन दे देंगे तब आप इसको रन करवा सकते हैं। तो रन करवाने के लिए आपको मेरे को इंटरनेट एक बार वापस ऑन करना पड़ेगा ताकि ये डाउनलोड हो जाए। और मैं देख एक बार इनको डाउनलोड करता हूँ कि जो जो थीम है इनके पास, आप जो प्राइम वाले थीम है ये आप इनके जो कुछ पैसे देख के फिर आप यूज़ कर सकते हैं, बट जो विदाउट प्राइम वाले थीम है वो आप सिंपली ईजिली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी इनमें से मैं एक पिक कर लेता हूँ, जैसे कि मैं ये कार वाला पिक करता हूँ मैं, और आप देख सकते हैं कि जैसे ही एक बार ये कंप्लीट हो जाती है इसकी लोडिंग, इसके बाद इसको आप चेंज वगैरह भी कर सकते हैं। इसमें बहुत से ऑप्शन मिलेंगे आपको। जैसे मिल गया तो अब आपको क्या करना है, आपको इस फोटो पे जाना है और इमेज सेट सक्सेसफुली, ये आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे लग चुका है। तो सिमिलरली आप और भी हैं इसके अंदर, और ये देखिए आपको आप दोबारा दिखा देते हैं, गैलेक्सी नोट 10 के लिए है, नोट 9, 8, S10, S9, S8, A सीरीज़ और M सीरीज़ के लिए। तो आप कहीं पर भी क्लिक कीजिए, देन आपको देखिए ये और भी बहुत से डिज़ाइन मिलते हैं। और जो कुछ प्राइम वाले हैं ये थोड़े से आपको पैसे खर्च करने के, लेकिन मैं आपको बहुत जल्दी इसका एक मोड वर्जन भी दे दूंगा आपको, इसको क्रैक वर्जन, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं इसका लिंक डाल दूंगा जल्दी। तो देखिए बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं इसमें। आप वैसे सिंपली अगर आप अपने सैमसंग डिवाइस की सेटिंग में जाके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेट करते हैं तो उसमें कोई ऐसा फंक्शन नहीं मिलेगा आपको, बट ये आप इस ऐप की मदद से आप बहुत ही अच्छे अच्छे लगा सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जो एक लड़की है वो झाँक रही है पीछे से, और आप इसके अंदर और भी वगैरह फंक्शन है जैसे चेंज कर सकते हो, जैसे इसकी जो ओपेसिटी आप इसको कम कर सकते हो। कम करने का मतलब है कि अब आपको ये ऐसा दिखाई देगा कि इमेज ज़्यादा ब्राइट नहीं होगी और आपकी बैटरी ज़्यादा ड्रेन नहीं होगी, तो आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक बार अप्लाई करने के बाद इसको दिखा नहीं सकता, क्यों, मैं आपको कोई दूसरे फ़ोन से एक बार इसकी वीडियो दिखाऊंगा, क्योंकि मैं अगर इसको ऑन करता हूँ तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आते रहें।